हेलो एवरीवन, आप सभी का सप्तक इंग्लिश एकेडमी पर स्वागत है। हम अंग्रेजी सीखेंगे बिल्कुल देसी तरीका से। देसी तरीका कहने का मतलब है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने भाषा का यूज करेंगे और इसमें छोटे छोटे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें यूज होने वाले वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसा कि एज का मतलब होता है जैसा। इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। इसी तरह बाय मीन्स द्वारा। इस तरह का छोटे वर्ड्स का यूज, जैसे हम बाय लेटर लिखने में जैसे बाय का यूज करते हैं, द्वारा, या बाय बस, या बाय चांस, इस तरह में हम यूज करते हैं। सो मतलब इसलिए। जैसे कि सेंटेंस इस पर एक बनाते हैं, आई हैव नो मनी सो आई कैन नॉट बाय। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं नहीं खरीद सकता हूँ। फॉर का मतलब के लिए होता है। जैसे कि इस पर एक सेंटेंस मैं बनाता हूँ, दिस इज़ फॉर यू, यह आपके लिए है। फ्रॉम का मतलब से, जैसे इसमें आई एम कम फ्रॉम बिहार। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। ऑन का मतलब पर। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, दिस बुक इज ऑन द टेबल। इन का मतलब मैं। इस तरह एक सेंटेंस इस पर भी बनाते हैं, आई लिव इन इंडिया। ऑफ का मतलब होता है का यूज़, यह एक प्रीपोजिशन है। अब जैसे दिस इज़ बुक ऑफ हिस्ट्री, यह इतिहास का बुक है। डू मीन्स होता है करना, जैसे आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। एट मतलब पर ये एक प्रीपोजिशन है। और इस तरह से जैसे आई लिव एट, कोई भी गांव है आपका तो जैसे आई लिव एट केरबार। विथ मतलब होता है साथ, जैसे कि आई लिव विथ यू, मैं आपके साथ रहूँगा। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, जैसे वार के दौरान ये आपका यूज़ करते हैं। जैसी तरह वेरियाज का मतलब होता है जब तक। सेम मीन्स वही, सेम टू सेम, वही समान है जो कल मैंने देखा था। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, आपको मैं किसी न किसी माध्यम से ये सामान पहुंचा दूंगा। तो इस तरह से थ्रू का मतलब माध्यम से होता है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, दिस इज़ नथिंग फॉर मी, यह मेरे लिए कुछ नहीं है। अंडर का मतलब नीचे, दिस इज़ अंडर द टेबल, दिस बुक्स इज़ अंडर द टेबल। एक्सेप्ट के मतलब होता है अलावा, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट दिस वर्क आई कैन डू अदर वर्क, इस वर्क के अलावा मैं दूसरे वर्क भी कर सकता हूँ। बिहाइंड के मतलब होते हैं पीछे, जैसे कि सी इज सिटिंग बिहाइंड मी। इनटू का मतलब मैं, ये आपका मोशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे द डॉग
went into well, कुत्ता कुएं में चला गया। Where का मतलब होता है कहाँ, जैसे इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं, Where are you going, आप कहाँ जा रहे हो। Some का मतलब होता है कुछ, Do you have some work, क्या आपके पास कोई वर्क है। Among मतलब होता है के बीच में, About का मतलब के बारे में, Do you know about me, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस में इन शब्दों का यूज करते हैं और ये बेसिक शब्द है जिससे हम अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आगे हम इस सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे, इन दिस वर्ड्स को। अबव का मतलब के ऊपर होता है, जैसे क्लाउड है आपके ऊपर होता है, इस तरह से इसमें हम यूज करते हैं। एवर का मतलब कभी, अपॉन का मतलब होता है के ऊपर, अपॉन सच मतलब ऐसा। टिल का मतलब तक होता है, जैसे यू विल वेट टिल आई विल नॉट कम, आपको वेट करना होगा जब तक कि मैं नहीं आ जाता हूँ। और हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, वेन मतलब कब भी होता है और जब भी होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सब जो है बहुत बेसिक वर्ड्स है और आई होप दैट यू विल लर्न दिस ऑल इजी वर्ड्स एंड यू मेक सेंटेंस ऑल दिस वर्ड्स।